नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। राजनीतिक उत्सव के इस दौर में भारत में मौजूद भयंकर बेरोजगारी पर किसी बड़ी चर्चा का न चलना चिंता का विषय है। हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि पिछले 8 सालों में 22.5 करोड़ युवाओं ने नौकरी के लिए फार्म भरा, जिनमें से मात्र 7 लाख को नौकरी मिल पाई। मतलब 1000 लोगों ने नौकरी मांगी तो उसमें सिर्फ 3 लोगों को नौकरी मिली। इसका एक मतलब यह भी है कि 22 करोड़ में से 21 करोड़ 93 लाख युवाओं ने प्रयास किया, लेकिन वे बेरोजगार हैं। इन आंकड़ों से आप देश की बेरोजगारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बीते लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने देश में बेरोजगारी का आंकड़ा छिपाने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव संपन्न होते ही आंकड़ा बाहर आ गया। देश में 45 साल की बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट चुका है। यह कोरोना महामारी आने के पहले हुआ। जब कोरोना आया तो प्रधानमंत्री जी ने अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और पूरा देश जहां के तहां थम गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक इस फरमान के अगले हफ्ते में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए थे। यह आंकड़ा संगठित और असंगठित क्षेत्रों का है। बीते जून महीने में ही इस संस्था ने बताया कि देश भर में 1.3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। शहरों में बेरोजगारी 7.8% है, जबकि गाँवों में 8.0% है। इसी संस्था के मुताबिक पिछले 5 सालों में नौकरी ना मिलने से निराश होकर 75 करोड़ लोगों ने नौकरी तलाश करना ही छोड़ दिया। देश में कुल 90 करोड़ आबादी रोजगार के योग्य है, जिसमें से आधे लोग काम की तलाश ही करना छोड़ चुके हैं। जनता में व्याप्त यह निराशा आने वाले खतरनाक भविष्य के संकेत हैं। इसमें सबसे चिंता की बात यह है कि यदि ऐसे ही हालात रहे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कामकाजी आबादी के बावजूद भारत तरक्की का मौका गंवा देगा, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा तो हैं पर इनके पास काम के मौके नहीं। इधर अग्निवीर बनाने वाली अग्निपथ योजना कहती है कि हर साल जितने युवा भर्ती होंगे उनमें से 25% तक को 4 साल बाद स्थायी किया जाएगा, बाकी को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। 4 साल बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों को दूसरे विभागों में नौकरी देने का वादा भ्रामक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप बताएं कि हमारे देश की बेरोजगारी किस स्तर तक पहुंच चुकी है, हमारे युवा साथी कितने बेरोजगार हैं और हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो को देखकर हमें कमेंट्स अवश्य करें और हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।